हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जे आर सॉल्यूशनिस्ट। मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका दिसंबर 2022 और जून 2021 का पेपर हुआ था, 2020 में शुरू हो करके 2021 में शुरू हो करके 2022 तक चला था, 2021 से शुरू हो करके 2022 तक जो पेपर हुआ है, हम उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ और बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। कब आ सकता है रिजल्ट और क्या जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि अगर हम आपके सब्जेक्ट, मैं ज्योग्राफी के कट ऑफ की बात करने वाला हूँ, और कुछ थोड़ा सा क्लू मैं आपको दे सकता हूँ अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी। तो इसमें मैं रिजल्ट्स की बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं। आपको पता है कि अभी कल 24 जनवरी था और एनटीए ने अपना जो क्वेश्चन चैलेंज करने का जो डेडलाइन दिया था वो कल तक ही था, और फाइनली स्टूडेंट्स ने इसको क्लेम करने, मतलब चैलेंज भी करने के लिए उन्होंने क्लेम कर लिया है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये है कि एग्जाम आपका खत्म होता है इस जनवरी के फर्स्ट वीक में। और एनटीए ने ये भी कहा था, अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो एनटीए ने ये भी कहा था कि जो आपका रिजल्ट है वो जनवरी में आएगा, राइट। एग्जाम के पहले, मतलब एग्जाम जब फिनिश हुआ था उसी टाइम पर उन्होंने बता दिया था कि जनवरी मंथ में रिलीज होगा। पहली बात तो ये है कि रिजल्ट आपके जब आने वाले हैं, उन रिजल्ट का जो डेडलाइन है वो जनवरी मंथ में रखा गया, और जनवरी मंथ के एंड तक आ सकता है रिजल्ट, यानी कि जो जनवरी मंथ है उसके एंड तक आने के चांसेस हैं। अब आज क्या हो गया, 25 हो गया और 31 जनवरी तक का डेट बचा हुआ है। आपके पास हैंड इन हैंड 7 डेज बचे हुए हैं और इन 7 डेज में ही वो रिजल्ट भी रिलीज करेगा। लेकिन उसके पहले जो उसने कहा था कि 24 जनवरी तक आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, आपके जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स थे उन रिस्पॉन्सेस को वो क्या कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हो। तो उन चैलेंजेस रिस्पॉन्सेस के ऊपर अभी वो क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, जो गलतियां हुई हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस में, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में, वो सारी चीजें वो पहले चेकआउट करेंगे। इसको करने में कम से कम 3 से 4 दिन जाएगा, मिनिमम 3 to 4 डेज जाने वाले हैं इसको करने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम 24 कल, आज हो गया आपका 25, तो 25 जनवरी, आज हो गया 26, 27, अगर हम इस 3 दिन को ऐड करें 3 डेज को, तो इन 3 डेज में एनटीए अपने उन रिस्पॉन्सेस को चेक करेगा, राइट। उसके बाद चूंकि ये कई लेवल पे चेक होता है, कई सारे लेवल्स पे जा करके, क्योंकि तो बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट ने क्लेम किया होगा, तो उन सभी सब्जेक्ट के लेवल्स पे जा करके वो चेक करेंगे। तो कम से कम 3 से 4 दिन समय तो लगने ही वाला है, यानी कि 27, 28 तक भी ये जा सकता है, राइट। अब आपके पास बचते हैं 3 दिन, इन्हीं 3 दिनों में वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, आपका जो लास्ट है जनवरी मंथ का उसमें आ जाना चाहिए, यानी 28 के बाद कभी भी वो रिलीज कर सकते हैं, राइट। 28 के बाद वो कभी भी आपके रिजल्ट्स को रिलीज कर सकते हैं। अब इसके बाद कोई फाइनल आंसर की नहीं आएगा, जो आंसर की अभी उन्होंने रिलीज किया है उसी आंसर की को वो क्या करेंगे, अपडेट करके रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे, जैसा वो हमेशा करते आए हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा, एक साथ आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हीं के साथ वापस से आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। आंसर की इन द सेंस फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ ही आता है, और उसी टाइम पे जैसे ही वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे इमीडिएटली वो क्या करेंगे, जो कट ऑफ है वो भी रिलीज कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज कितना कट ऑफ गया है उसके बारे में भी वो आपको बता देंगे। बात करेंगे कट ऑफ के बारे में अपने नेक्स्ट सेशन में हम, मतलब अभी इसी के वीडियो में। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे मैं न्यू बैच लेकर के आया हूँ आने वाले 2022 एग्जाम के लिए, और ये न्यू बैचेस की शुरुआत हो चुकी है जनवरी 24 से, कल से, और इसके अलावा नया बैच फिर से आएगा फरवरी 4 में, 2 नए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये सारे न्यू बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं 2022 एग्जाम के लिए। इसके लिए आप लोगों को अनअकैडमी ने रिपब्लिक डे का स्पेशल ऑफर दिया है,
इसमें आप कोई भी प्लान लेते हो, 12 मंथ का या 24 मंथ का, इन दोनों ही प्लान पे आपको 6 मंथ का एडिशनल फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। यानी 1 साल का कोर्स आप लेते हैं तो वो 18 महीने का हो जाएगा, और 24 महीने का कोर्स अगर आप लेते हैं तो ये आपका 3 ईयर मतलब कि 2.5 साल का कोर्स हो जाएगा, यानी कि ये 30 महीने का कोर्स आपका हो जाएगा। 6 मंथ का एडिशनल आपको इसमें जो बेनिफिट है वो मिल रहा है। रेफरल कोड अभिषेक जी यूज करिए 10% डिस्काउंट के लिए। ये ऑफर 25 जनवरी, 26 जनवरी और 27 जनवरी तक ही वैलिड है। ठीक है, कोई भी कांटेक्ट आप करना चाहें तो इस नंबर पे कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बात करेंगे कट ऑफ की हम सभी लोग, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था जून 2020 का, जो रिजल्ट आया था उसमें आप देखोगे जो कट ऑफ आया है वो, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूं कुछ चीजें आपको इस कट ऑफ को बताने के बाद, कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, जनरल कैटेगरी अनरिजर्व का जो JRF का कट ऑफ था वो 68% गया था, 68%, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे 117। वहीं इसका जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट का कट ऑफ था, नेट का कट ऑफ चला गया था 60% तक चला गया था, यानी लगभग 8% कम हो जाते हैं नेट के लिए। और OBC का कट ऑफ था JRF के लिए EWS का कट ऑफ था JRF के लिए 65%, OBC का कट ऑफ था 64%, ST कैटेगरी JRF कट ऑफ 62 और ST कैटेगरी JRF कट ऑफ 58 था। वहीं PWD के लिए अलग, PWD कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ थे। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है इसलिए कट ऑफ भी काफी कम जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे ये जो कट ऑफ रिलीज हुई थी जून 2020 एग्जाम के लिए, उस टाइम पे इन लोगों ने एक पेपर कैंसिल कर दिया था और एक ही पेपर करवाया था, क्योंकि 2020 में पैंडेमिक सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब थी, इस कारण से एक पेपर कैंसिल करके एक ही पेपर इन लोगों ने करवाया था। ठीक है, अब इस लिहाज से देखा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो काफी कम थे। पैंडेमिक सिचुएशंस में बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम भी नहीं दिया था, और स्टूडेंट की संख्या कम होने के कारण कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो गई थी। पिछली बार हम जब देखेंगे तो 70, हमने देखा था कि 70% एग्जाम का कट ऑफ गया था, लगभग से 69 समथिंग कुछ गया था, तो कम हो गया था कट ऑफ। वहीं इस बार अगर हम कंपेयर करें क्वेश्चन पेपर की और नंबर ऑफ स्टूडेंट की, तो इस बार ये लोग दो पेपर एक साथ करवाए हैं, यानी कि दिसंबर 2020 का पेपर और जून 2021 का पेपर इन लोगों ने एक साथ मर्ज किया है। तो जिन स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई किया होगा और जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, ये सभी एप्लीकेशन मर्ज हो गए थे, और इसलिए पेपर भी आपका क्या हुआ, दो कर दिया गया था, दो शिफ्ट में पेपर लिया गया, दो शिफ्ट में पेपर हुआ। पेपर का लेवल अगर हम देखें, पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो हम समझे, तो दोनों शिफ्ट के पेपर का लेवल अलग अलग था। जहां पर हम शिफ्ट वन के पेपर की अगर बात करें, बहुत लेंदी पेपर था, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे पेपर वन में भी, पेपर टू में भी, RC आए हुए थे इसमें, दो दो RC, पेपर वन में एक RC था, पेपर टू में दो RC आया था, एक RC आपका मेन मीडियन मोड से पूछा गया था। टेक्निकली देखें तो टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण वो पेपर लेंदी हो गया था, और इसीलिए बहुत ज्यादा जो मार्क्स हैं बच्चों के कम आए हैं। मैंने देखा, मैंने अभी तक यही स्टडी किया, इसलिए मैं काफी लेट से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी करने कोई फायदा नहीं है कि मैं एक दिन क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स आ गया, अगले दिन कट ऑफ आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। पहले मैं बच्चों के जो पैटर्न है मार्क्स के वो समझने होते हैं। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 100 के ऊपर जा रहे हैं, तब अगर देखा जाए तो। अब जिन भाई टॉप लेवल के ही बच्चे जो होंगे उन्हीं का 100 के ऊपर जाएगा, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दी 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो जिन बच्चों का भी अगर हम देखें 100+ पे गया है, सिर्फ इन्हीं के साथ उम्मीद है JRF की और नेट की, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है नीचे रह गए हैं। शिफ्ट वन के पेपर बहुत टफ थे, बहुत टफ इन द सेंस कि बच्चों को लग रहा था, स्टूडेंट्स को लग रहा था। वहीं शिफ्ट टू के पेपर की अगर हम बात करें, तो टू वाला जो पेपर था वो थोड़ा लेंदी कम था। लेंदी कम का मतलब ये हो गया कि कुछ क्वेश्चन से काफी शॉर्ट थे, और क्वेश्चंस को करने के लिए काफी समय भी मिला था। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैं तो 2.5 घंटे में ही पेपर करके खाली हो गया था, और
लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये ऑनलाइन एग्जाम है तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम्स भी हुई थी और इस कारण से कुछ लोगों के पेपर में कम क्वेश्चंस भी वो अटेम्प्ट कर पाए, या इसमें ये भी देखा गया है कि स्क्रॉलिंग के कारण भी टाइम बहुत चला गया। प्लस इसमें ये भी देखा गया कि स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन मार्क किया था, जो ऑप्शन मार्क किया था रिस्पॉन्स में, वो चेंज हो गया, शफल हो गया, यानी कि बदल गया पूरी तरीके से। तो जितने क्वेश्चंस उनके करेक्ट होने चाहिए थे उनमें से 5 से 6 क्वेश्चंस तो ऐसे ही उनके चले गए, यानी कि ये क्वेश्चन ऐड हो सकते थे उनके टोटल मार्क्स में लेकिन वो ऐड ना होकर के अब वो माइनस हो गए। इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है? कंप्यूटर की। कंप्यूटर ने उनको मार्क नहीं किया और वो शफल हो गया, ए का सी हो गया, सी का डी हो गया, बी का ए हो गया, इस तरीके से चीजें बदल गई। अब ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। अब इन सब सारी बातों को अगर हम समझे तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनकी संख्या हम देखें तो इस बार थोड़ी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, राइट? क्योंकि एक तो ये हुआ कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया पेपर कराने में, तो इतना लेट से पेपर हुआ कि अब कोई पेपर छोड़ भी नहीं सकता था, तो बहुत कम स्टूडेंट ने पेपर को छोड़ा है, इसलिए भी नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार ज्यादा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जब ज्यादा होंगे तो यूजीसी का रूल है, एनटीए का रूल है कि जब भी आपका कट ऑफ बनेगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेस पे बनता है। अब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उनके बेस पर बनेगा। अब उसमें से टॉप 6% जो बच्चे होंगे उन्हीं का नेट क्वालिफाई होगा और उसमें से 1% या उससे थोड़े से ज्यादा बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा, ठीक है? तो अब हमें ये समझना है कि इस बार जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, स्ट्रेंथ ज्यादा थी और पेपर पैटर्न भी उसी के अकॉर्डिंगली देखा जाए थोड़ा लेंदी हो गया था, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी नीचे जानी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। कितना नीचे जाना चाहिए? तो ये 0.5% से लेकर के 1% तक डिक्लाइन हो सकता है, मतलब इतने से के बीच में आपका जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड ये बन सकता है। मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने जो 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 मेरे नोन एक्सपर्ट्स हैं मैंने उनसे भी बात की, जो कि मैं कट ऑफ की वीडियो जल्दी नहीं बनाता ऐसे ही क्योंकि समय लगता है चीजों को समझने में। मुझे ऐसा लगता है कि ये 0.5 से 1% तक नीचे जा सकता है। अब ये हर कैटेगरी में होगा, हर कैटेगरी में होगा, इतने परसेंट्स पे कट ऑफ आपका बन सकता है। अब अगर हम बात करें कि अनरिजर्व कैटेगरी का क्या कट ऑफ जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका कट ऑफ जो है ये 66 से लेकर के 68 69 तक जा सकता है, ठीक है? 68 से लेकर के 69 के बीच में ये वेरी कर सकता है। 69 मैंने क्यों कहा? क्योंकि हमेशा अप एंड डाउन्स होते हैं कट ऑफ में, इसी के बीच में ये फ्लक्चुएट करना चाहिए। 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 68 भी जा सकता है। मैंने 66 इसलिए रखा क्योंकि कुछ पेपर, जो शिफ्ट वन का पेपर था वो सच में काफी लेंदी था, मैंने खुद पेपर सॉल्व किया और मैंने देखा कि उसमें काफी टाइम लग रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, तो डेफिनेटली बहुत कम क्वेश्चन करेक्ट हो पाए होंगे स्टूडेंट के, इसलिए कट ऑफ गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। अब इसमें मैं फाइनल की बात करूं तो आप 66 रख सकते हो, 66 से लेकर के 69 के बीच में आप जा सकते हैं, इतना ही कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का, इतना 66 से लेकर के 69 के बीच में जाना चाहिए कट ऑफ। अब ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ये जेआरएफ की बात हो रही है, नेट को अगर आप देखोगे तो आप ऐसे ही 5-6% नीचे आ जाइए, यानी 60% 59% तक का आपका जो कट ऑफ है जेआरएफ के लिए, जो नेट कैटेगरी के लिए है वो जा सकता है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका 58% से लेकर के 58% से लेकर के ये 60% के बीच में जा सकता है नेट कैटेगरी का कट ऑफ, ठीक है? ये नेट के लिए है, राइट? और ये जेआरएफ के लिए है, ओके? अब इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि 65% गया था, तो ये 65% ना जा करके ये, एक सेकेंड,
चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि ये आपका JRF का हो गया। इसमें क्या हो सकता है कि 65 से कम में जा सकता है कट ऑफ, यानी कि आपका कट ऑफ जो जाना चाहिए वो 63 से 65 के बीच में जाना चाहिए, EWS कैटेगरी का JRF का कट ऑफ। OBC की अगर मैं बात करूं तो OBC का कट ऑफ देखो 64.67% गया है JRF के लिए। अब इसमें भी अगर हम कटौती करते हैं तो ये आप मान के चलो कि ये आपका 62 से लेकर के, है ना, 62 से लेकर के 65 के बीच में फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, इसको हम इतने ही कैटेगरी में रखेंगे, 62 से 65 के बीच में ही कट ऑफ होना चाहिए, ये अप्रॉक्सीमेटली है, हो सकता है। अब SC कैटेगरी की हम बात करें तो 62 गया था लास्ट टाइम JRF का, इस बार आप इसे रख सकते हैं 59 से 62 के बीच में रख सकते हैं, राइट। और वहीं ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम ये 58% गया था, तो आप इसे 57 से लेकर के 59 के बीच में रख सकते हैं कट ऑफ। अब PWD उसी के अकॉर्डिंगली होंगे, 1-1% आप यहां से देख सकते हो, अप एंड डाउन फ्लक्चुएट कर सकता है। कम होने के चांसेस हैं 0.5 से 1% के बीच में, रिजल्ट जो है कट ऑफ जो है वो कम होने के चांसेस हैं। नेट की अगर हम बात करें, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि उनका नेट हो सकता है, तो नेट आप देखिए पिछली बार EWS कैटेगरी का नेट 56% पे बना था, तो हम कह सकते हैं कि इस बार 55% से लेकर के 58% के बीच में बन सकता है अगर आपका नेट के लिए आप अगर सोच रहे हो तो। ठीक है, वहीं OBC के लिए आप देखोगे 56% बना था नेट का कट ऑफ, तो OBC का 55 के बीच में ही जाएगा, 55 से 58 हम इसे भी रख सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस OBC का कट ऑफ EWS के बराबर ही बन रहा है। ठीक है, किसी किसी केस में ये ज्यादा हो सकता है बट उतना भी नहीं। अब SC की बात करें हम तो पिछली बार 53.33 पे बना था नेट का कट ऑफ, तो इस बार हम इसको 52 के से लेकर के 54% के बीच में हम रख सकते हैं नेट के लिए। वहीं ST कैटेगरी में आप देखोगे तो 50.57 है, तो इसको हम कम कर सकते हैं, हम 50% से ही काउंट कर सकते हैं, थोड़ा कम भी हो सकता है, 50 से फिर लेकर के 52 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है ST कैटेगरी का नेट के लिए। तो JRF के लिए 66 से 69 के बीच में, EWS के लिए 63 से 65 के बीच में, 62 से 65 के बीच में, OBC के लिए 59 से 62 के बीच में, SC के लिए और ST के लिए 57 टू 59 JRF का कट ऑफ जा सकता है इस बार का। ये प्रिडिक्शन है, ऐसा हो सकता है कि चीजें इसके अंदर हो या इससे बाहर भी जा सकती हैं, ये मेरा अपना अनुमान है जो मैंने रिसर्च किया उसके बेस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट और बाकी चीजों के बेस पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करिएगा, और भी वीडियोस ऐसे ही लाता रहूंगा। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नए एग्जाम के लिए जून 2022 के लिए मैंने नया बैच स्टार्ट कर दिया है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना होगा। यहाँ पर आपको अनअकैडमी 3 दिन का ऑफर लाई है, जिसमें आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, 1 ईयर या फिर 24 मंथ के प्लान में। 6 मंथ के प्लान में कोई ऑफर नहीं है, यहीं पर आपको मिलेगा। रेफरल कोड अभिषेक जय यूज करना है 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।